नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं राशिद। आज फिर एक दंगे की खबर आती आती रह गई और कहीं दंगा होते होते बच गया, वरना आज के अखबारों में आप सुर्खियां पढ़ते कि राजधानी दिल्ली के इस इलाके में फिर माहौल भड़क गया, फिर तनाव बढ़ गया और आपसी भाईचारा बिगड़ गया और पत्थरबाजी हुई। गनीमत रही कि ऐसा वहां कुछ नहीं हुआ, फिलहाल पुलिस ने मामला शांत करा दिया है, लेकिन ऐसा हुआ क्या ये जानने की जरूरत है। राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में देर रात घटना घटी। इस मामले में कहा जा रहा है कि दो समुदायों के बीच ये बात बढ़ गई, पत्थरबाजी हुई, बाद में पुलिस आई और कार्रवाई करते हुए 37 लोगों को हिरासत में लिया और 4 लोगों पर दंगे की धाराओं में मामला दर्ज भी किया, ताकि इससे मैसेज आए कि आगे ऐसी वारदातें ना हो। बताता हूं आपको आखिर पूरा मामला यह है क्या। दिल्ली के वेलकम इलाके के पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे, बच्चे दोनों समुदाय के थे और उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। अब ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात उनके परिजनों तक पहुंच जाती है। अब पार्क में दोनों समुदाय के बच्चों के परिजन भी आ जाते हैं। अब मामला उनके समझाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिजनों के बीच भी लड़ाई होने लगती है। उसके बाद यह मामला और बढ़ता है और परिजनों से बढ़ता हुआ यह मामला समुदायों के बीच पहुंच जाता है। अब पार्क में दोनों समुदायों के बीच बहसबाजी होने लगती है, शायद झड़प भी होने लगती है और खबर है कि इन दोनों समुदायों के बीच पत्थरबाजी भी होनी शुरू हो गई। इतने में जो वहां के स्थानीय लोग थे, उन्होंने कॉल करके पुलिस को पहले इस घटना की सूचना देते हुए कहा, करीब 10 बजे के पार्क में कुछ बच्चों का झगड़ा हो गया है। उसके 5 मिनट बाद पुलिस पर दूसरी कॉल जाती है और यह कहा जाता है कि दो समुदायों के बीच लड़ाई हो गई है और यहां पर पत्थरबाजी शुरू हो गई है। इतना सुनने की देर थी और पुलिस अपने पूरे बल के साथ, पूरी फोर्स के साथ वेलकम इलाके में जा पहुंची। वहां देखा कि आखिर क्या मामला है। पुलिस ने 37 लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि भीड़ कई सौ लोगों की थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि वहां लोग समझाने के लिए भी खड़े हुए थे। 4 लोगों पर FIR दर्ज हुए दंगे की धाराओं में और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि ये महज एक बच्चों की झगड़े का ये सिलसिला था, बच्चों की झगड़े की बात थी जो इतनी बढ़ गई। हालांकि लोगों ने भी यही बताया, लेकिन दोनों समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई, ये अपने आप में ही एक बड़ी खबर थी। और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी भी भूलचूक होती या देर होती या फिर लोग अगर इसे बढ़ाना चाहते तो ये मामला बहुत बढ़ जाता और इस ये कहने में दो राय नहीं है कि वहां दंगे की शक्ल ले लेता। फिर आज आप अखबार में पढ़ते कि दिल्ली के वेलकम इलाके में ये घटना घट गई, दो पक्षों में लड़ाई हो गई, समुदाय के बीच पत्थरबाजी हो गई, आगजनी हो गई और इतने लोग घायल हो गए, पुलिस ने काबू पाया वगैरह वगैरह। लेकिन गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली का इलाका जो वेलकम है वो वहां सब कुछ वैसे ही है जैसे पहला चल रहा था, कोई स्थिति तनावपूर्ण नहीं है। हालांकि पुलिस ने वहां जाके मामले को शांत करा दिया और सारा जो मामला था वो भी निपटा दिया और ये जो पुलिस ने एक्शन लिया है कि 37 लोगों को हिरासत में लिया है और 4 पे दंगे की धारा वो इसलिए दर्ज की है ताकि लोगों में कड़ा मैसेज जाए कि ऐसी वारदात दोबारा से ना हो। तो अगर आप भी रहते हैं, अपने आसपास ऐसी कोई वारदात देखते हैं या घटना देखते हैं तो उन्हें सुलटाने का या फिर उन्हें निपटाने का काम कीजिए। और अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां दोनों ही समुदाय के लोग हैं तो वहां पर भाईचारा कायम रखने की पूरी कोशिश कीजिए और अगर आपके सामने कुछ गलत होता है तो उन लोगों को समझाइए ताकि माहौल ना बिगड़े, हमारे समाज में भाईचारे का माहौल बना रहे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।